हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं एक पुराना क्वेश्चन पेपर है 2018 का, और क्वेश्चन का पेपर का जो कोड है वो 2042B, क्योंकि ये ABCD बनते हैं, तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, 50 नंबर का पेपर होता है, और इसमें जो मिनिमम मार्क्स होते हैं पासिंग मार्क्स वो 17 होते हैं, और 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस इस वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो इससे हेल्प मिल जाती है कि कहाँ कैसे अपनी तैयारी करें और किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा हम फोकस करें। चलिए जैसे पहला ही क्वेश्चन आइए इसमें डिस्कस करते हैं, और पहला क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स। तो इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन हमें करने हैं, और एक एक नंबर का ये क्वेश्चन इसके अंदर आता है। जैसे पहला है, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया गया है, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन पहले वाले चैप्टर से। एंगुलर मोमेंटम एक तरीके से MVR यहाँ पर होता है, तो ये मीटर और ये मीटर पर सेकेंड, और ये आर यहाँ से हो जाएगा, ये भी मीटर, ये केजी होगा क्योंकि मास है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ से अब आप इसका ML2 और T-1, इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। तो ये है एरर एंड मेजरमेंट से लिया गया है। इसने कहा है कि इफ़ एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज दिस वन, देन मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। वेलोसिटी के और टाइम के मेजरमेंट में प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर दी हुई है, और जो हमारा त्वरण है, एक्सेलरेशन है, उसके उसमें इसने मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछी है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी और इसमें, तो वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये फॉर्मूला होता है। इसको एरर में बदल सकते हो आप, डेल्टा ए अपॉन में ए, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 डेल्टा V अपॉन में V इंटू में 100, और प्लस में डेल्टा आर अपॉन में, सॉरी ये तो टाइम दिया हुआ है, तो ये वाला तो एक्सेलरेशन जब हो तब होगा, जब ये वाला नहीं लगेगा तो हम इस पे लगाएंगे दूसरा, जो ए इक्वल टू होता है वो होता है वी अपॉन में टी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ से डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू में 100, और प्लस में डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू 100, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों में ही 1% है, तो 2% यहाँ पर आ जाएगा आंसर, तो सी इसका आंसर होगा इस तरह से। तो ये क्वेश्चन हुआ, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि थर्ड पार्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड हैंड इन ए वॉल क्लॉक। जो दीवार घड़ी होती है और उसमें जो सेकंड वाली सुई है उसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा लगाने में हम जानते हैं 60 सेकंड या 1 घंटा या एक मिनट ये 60 सेकंड वो लेती है, तो 60 सेकंड इसका टाइम पीरियड आ जाता है एक तरीके से। तो ये हुआ यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो उसमें स्पीड तो कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी दो तरीके का होता है, टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और रेडियल सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स भी डायरेक्शन क्योंकि उसकी चेंज होती रहती है, तो ये भी चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो है वो सेम रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है एक चक्कर में जो लगा समय होता है वो बार बार उसी रेट से फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इसमें सेम ये रहेगा, तो सी पार्ट इसमें लगाया जा सकता है। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये इसमें क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन, ये वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस इज रिलेटेड टू ए रेडियस ऑफ जायरेशन। जो जड़त्व आघूर्ण है वो रेडियस ऑफ जायरेशन से कैसे रिलेटेड होता है, तो हम जानते हैं I=MK² होता है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें देना था एक नंबर में। इसके बाद इन रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी रिजिड बॉडी विच कर्व रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विद टॉर्क।
तो जो हमारा रिजिड बॉडी वाला चैप्टर है वहाँ से ये लिया गए हैं दोनों क्वेश्चन। तो जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एक तरीके का फॉर्मूला आई अल्फा होता है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, कोणीय त्वरण जिसको हम बोलते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से अल्फा के, तो लीनियरली यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो जो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में है तो ये ए सीधी रेखा आनी चाहिए, तो ए वाला इसका सही होगा, तो ये इसका सही है। तो इसके बाद आगे जो इसमें है वो ये है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताना है कि जो लिखा हुआ है नीचे वो सही है या गलत है। और इसमें क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी हैज सेम वैल्यू ऑन अर्थ एंड मून। बिल्कुल, जो ग्रेविटेशनल जी कैपिटल जी होता है तो उसको तो हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है तो वो सभी जगह एक जैसा होगा, तो इसीलिए ये तथ्य सही है, तो ट्रू इसमें लिखेंगे यहाँ पर ये। इसके बाद अगला जो पार्ट इसके अंदर है वो ये है कि इन स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो स्ट्रीम लाइन जो धारा रेखी प्रवाह होता है हमारा लिक्विड वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये लिया गया है, और कहा है ऑल लिक्विड लेयर्स मूव विद सेम वेलोसिटी। जो हमारे द्रव होता है जो उसकी लेयर्स होती हैं वो सभी क्या सेम वेलोसिटी से चलती हैं? नो, ये तो गलत है। ऑल मोलिक्यूल्स इन ए लेयर मूव विद सेम वेलोसिटी, एक लेयर पे जितने भी मोलिक्यूल्स होंगे क्या वे सेम वेलोसिटी से चलेंगे? इज देयर इज ए लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो? नहीं, टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट रहती है, तो एक तरीके से ये सही है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट है फॉर्मूला वो ये है कि ऑल मोलिक्यूल्स इन ए लेयर मूव विद सेम वेलोसिटी, तो इसको ही लगाएंगे। यहाँ से अगला जो पार्ट इसके अंदर दिया है वो ये है कि शो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑन एन इलास्टिक वायर। तो स्ट्रेस वर्सेस जो यहाँ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पूछा था, तो वो इस कुछ इस तरह का आता है ये, और कुछ इस तरह का ये आता है यहाँ पर ए बी सी डी, जहाँ पर हुक का नियम का पालन करता है, फिर वहाँ से ये यहाँ तक इलास्टिक लिमिट होती है, फिर इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है, फिर ये आते आते टूट जाता है। तो इस तरह का कर्व ये स्ट्रेन वर्सेज स्ट्रेस का आप बस बनाकर दे सकते हो एक नंबर में, ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं करना है। हाउ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर रिलेटेड, तो ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर से लिया गया है, और हम जानते हैं सी अपॉन में फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9 वाला ये रिलेशन इसमें दे सकते हैं। राइट डाउन एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जो एडियाबेटिक रिलेशन होता है हम जानते हैं कि पी वी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट होता है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी से हम यहाँ पर दे सकते हैं। उसने पूछा है किस किस में हमें रिलेशन यहाँ पर देना है एक तरीके से, यहाँ पर किस किस में रिलेशन देना है हमें एडियाबेटिक रिलेशन वॉल्यूम ऑन टेम्परेचर में देना, तो वॉल्यूम तो यह है तो प्रेशर को हम टेम्परेचर बदल सकते हैं, तो पी को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आर टी अपॉन में वी। जब आर टी अपॉन में वी हम प्रेशर की जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से टी वी की पावर गामा माइनस वन इजकल टू कॉन्स्टेंट, तो ये वाला रिलेशन दिया जा सकता है इसमें। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, उसमें फाइव पार्ट्स करने हैं और दो दो क्वेश्चन के नंबर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, पहले चैप्टर से लिया गया है यूनिट एंड डायमेंशन से, तो उसकी लिमिटेशंस पूछी हैं, दो तीन लिमिटेशंस इसमें दी जा सकती हैं। व्हाई इट इज़ ईजियर टू पुल लॉन रोलर रेदर देन टू पुश इट, तो ऐसा फ्रिक्शन की वजह से होता है कि जो उसको पुल करना तो फ्रिक्शन उसमें कम लगता है देन रेदर पुश इट। स्टेट लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो हम जानते हैं कि अगर कोई किसी तल पर कोई बॉडी यहाँ पर रखी है तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन के जैसे जैसे हम इस पर फोर्स बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो एक भार एम जी नीचे काम करता है इसकी रिएक्शन आर ऊपर काम करेगी, अगर फोर्स यहाँ पर लगाया है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे काम करेगा, तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका क्या होगा, तो एक तरीके न्यूटन्स लॉ इसमें लगा सकते आप बता सकते हो, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके इसमें बता सकते हो, और ज़्यादा इसमें ऐसा हमें कुछ नहीं देना है। तो चलिए अगले आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ए सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा w दी है, राइट डाउन फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो जब बॉडी रोल करती है तो उसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक तो
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है जो उसका सेंटर ऑफ मास करता है, और बाकी पार्टिकल रोटेशनल मोशन में करते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से जो के इजिकल टू लिखोगे 1/2 I ω² आप लिखोगे, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद गिविंग प्रॉपर फॉर्मूला स्टेट लॉ, हाउ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चेंजेस व्हेन वी गो अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस। तो इसमें डेरिवेशन नहीं देना, बस दोनों फॉर्मूले हमें देने हैं कि जी जब हम ऊपर जाते हैं तो जी घटता है, नीचे भी जाते हैं तो जी घटता है, उसको देकर एक्सप्लेनेशन हम उसको बता सकते हैं। डिफाइन सरफेस टेंशन एंड हाउ इट इज अफेक्टेड बाय प्रेशर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। तो अगर इम्प्योरिटीज उसमें के अंदर हैं तो वहाँ से सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। और सरफेस टेंशन क्या होती है, अगर किसी लिक्विड की सतह पर एकांक इमेजिनरी लाइन खींचें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक तरीके से सरफेस टेंशन होता है F/L। इसकी यूनिट डायमेंशन दे सकते हो इसमें इस तरह से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है ये, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर्स। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। ये होता है, तो ये T1 है, ये T2 है, और इसमें 273 भी ऐड करना पड़ेगा तब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी। हीट एंड थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर से लिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि दो पार्ट करिए और दोनों पार्ट 5-5 नंबर के हैं। स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रीली थ्रू ए लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर विस्कस एक्टिंग ऑन द बॉडी। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस फाइंड द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो डायमेंशन मेथड है ये पूरा, उसकी एप्लीकेशन है एक जिसमें हम सूत्र की उत्पत्ति कर लेते हैं। तो वहाँ से इसका जो हमारा विस्कस फोर्स है F = 6 πE(rV), तो ये वाला फॉर्मूला इसमें ड्राइव करना है विमाओं की सहायता से, तो वो किया जा सकता है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड ड्राइव इट, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको लिखना है, उसको प्रूव भी करना है और दो एग्जाम्पल भी देने हैं, तो ये किया जा सकता है। जो हमारा मोशन ऑफ ए बॉडी वहाँ से लिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल फोर्स, तो जो हमारा सर्कुलर मोशन है उसके अंदर से ही लिया गया है सेंट्रल फोर्स। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, तो इसको भी दिया जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, दो पार्ट करने हैं, 5-5 नंबर के हैं। स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम है कि जो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है, तो ये इसका पूरा डेरिवेशन करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ 2 kW मोटर कैन राइज अप टू द हाइट ऑफ, ये तो एक तरीके से जो यहाँ पर पावर दी है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है और वर्क इक्वल टू mg, ऐसे यहाँ से करके समय रख सकते हो, तो हाइट यहाँ से निकाली जा सकती है कितने हाइट तक, तो कितना पानी वो उठा पाएगा, तो m यहाँ से आप निकाल सकते हो। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें बताना है, और ये जड़ जो हमारा रिजिड बॉडी है वहाँ से लिया गया है। ए सॉलिड डिस्क ऑफ मास m हैज रेडियस r, व्हाट विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस। तो इसमें जो थ्योरम होती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, वे इसके अंदर अप्लाई करके हम इसको डेरिवेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह के ये क्वेश्चन हैं, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि अगला स्टेट कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कैपलर के नियम पूछे गए हैं, 3 नियम है दिए जा सकते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कक्षीय चाल है उसके लिए सूत्र पूछा है, और ठीक है। तो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में भी दो पार्ट करने हैं और 5-5 नंबर के दिए हुए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर को बताना है। 14 बैरोमीटर का कष्ट जो चित्र बना करके वर्णन करना है। बर्नौली थ्योरम पूछी गई है दूसरे क्वेश्चन में, और एग्जाम्पल दिए हैं इसके, 2 एग्जाम्पल बताने हैं हमें। व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पूछा है, और उस पर ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 60 जूल हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर भी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट प्रेशर दिया हुआ है। इफ़ वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है एक तरीके से,
ये चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो इसमें अप्लाई होगा। और फर्स्ट थर्मोडायनेमिक ये है कि जो हीट सप्लाई की जाती है वो दो जगह खर्च होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में पी इंटू में डेल्टा वी वर्क डन में। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इससे आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो आज हम इतना रखते हैं, थैंक यू।